सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलोय सत के बारे में। जी साथियों, गिलोय सत के फायदे कौन कौन से हैं, गिलोय सत का सेवन किस प्रकार किया जाता है, गिलोय सत को लेते समय किन किन बातों का परहेज करना है, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले जान लेते हैं गिलोय सत के बारे में। साथियों, गिलोय सत एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका निर्माण कई आयुर्वेदिक कंपनी करती है। आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का ये गिलोय सत ले सकते हो। तो चलिए साथियों, अब जान लेते हैं गिलोय सत के फायदे के बारे में। साथियों, गिलोय सत का उपयोग वैसे तो कई रोगों में किया जाता है और हर रोगों में गिलोय सत देने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिलोय सत का उपयोग शारीरिक गर्मी को दूर करने के लिए किस प्रकार किया जाता है। यह साथियों, जो लोग शारीरिक गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों के लिए गिलोय सत का उपयोग किस प्रकार करते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है या प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ पैर के तलों में जलन होती है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है, गैस बनती है, उन लोगों के लिए गिलोय सत का सेवन बहुत ही लाभदायक है। यह साथियों, पेट से संबंधित अनेकों विकारों को दूर करने के लिए गिलोय सत बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को मुँह में बार बार छाले होते हैं, बदहजमी की शिकायत है, खाना ठीक तरह से नहीं पचता है, खून की कमी है, उन लोगों के लिए गिलोय सत का सेवन बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही इसके साथ साथ जिन लोगों को पेशाब करते समय जलन होती है, पेशाब पीले रंग का जाता है, पेशाब रुक रुक कर जाता है, उन लोगों के लिए भी गिलोय सत का सेवन बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही जिन लोगों को खून की कमी है, भूख बहुत कम लगती है, खाने का इच्छा नहीं करती है, बदहजमी की शिकायत है, उन लोगों के लिए भी गिलोय सत का सेवन बहुत ही कारगर है। गिलोय सत के नियमित इस्तेमाल से पेट से संबंधित अनेकों विकार पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए साथियों, अब जान लेते हैं कि गिलोय सत का सेवन किस प्रकार किया जाता है। साथियों, आपको लेनी है 10 ग्राम गिलोय सत, 20 ग्राम बंसलोचन, 10 ग्राम शीतल मिर्च, 10 ग्राम इलायची और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। साथियों, ये सभी चीज़ें आपको जो आपके आसपास पंसारी की दुकान है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। अब साथियों, इन सभी चीज़ों में से जो गिलोय सत है उसको अलग कर दीजिए और जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक साथ मिलाकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। साथियों, बारीक पीसने के बाद इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर किसी बारीक चलनी या किसी बारीक कपड़े में से छानकर कपड़छन कर लीजिए। अब साथ इसमें से आपको जो बड़ी उम्र वाले हैं, महिला हो या पुरुष, उन सभी के लिए एक चम्मच दवा और छोटी उम्र वालों के लिए आधा चम्मच दवा सुबह खाली पेट नौनी घी के साथ सेवन करनी है। यह साथियों, ये दवा आपको एक टाइम लेनी है सुबह खाली पेट नौनी घी के साथ। साथ ही इस दवा के नियमित इस्तेमाल से जो शारीरिक गर्मी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही इस नुस्खे को लेते समय तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, नशीले पदार्थ वे मांसाहारी चीज़ों का परहेज करना है। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।